कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने कोविड 19 के नियंत्रण, पंचायत चुनाव की तैयारी, गेहूं खरीद व कैच फॉर रेन योजना की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गगा थाना क्षेत्र में डिमोशा मोड़ पर बुधवार की देर शाम बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले कोठा निवासी शंभू मौर्य की गोली मारकर हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश शासन ने पूरे प्रदेश को कोरोना प्रभावित प्रदेश किया घोषित, एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी, कहा दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियमों का करना होगा पालन। प्राणी उद्यान केंद्र के बाहर पार्किंग विवाद में फॉरेस्ट कर्मियों ने की स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि की पिटाई, धक्का मुक्की में गार्ड के पैर पर गिरी बंदूक से चली गोली, एयरफोर्स हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, सीओ कैंट ने कहा नहीं हुई है कोई जनहानि। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड वैक्सीनेशन टास्क फोर्स एवं लीड बैंक अधिकारियों की बैठक, निगरानी समितियों को सक्रिय कर बाहर से आने वाले लोगों का कोविड जांच कराने के साथ चुनाव के मद्देनजर बैंकों में व्यवस्था बेहतर करने के दिए निर्देश। जिले की कमान संभालने के बाद बुधवार को एसएसपी दिनेश कुमार पी मीडिया से हुए रूबरू, कहा पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराना ही होगी उनकी मुख्य प्राथमिकता। कैंपियरगंज के विधायक के नाम पर पौने 6 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाला हुआ गिरफ्तार, एसपी क्राइम में डॉक्टर एमपी सिंह ने किया खुलासा। गोरखपुर में बुधवार को मिले 49 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,768, अब तक 367 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 236 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। त्रिस्तरीय पंचायत समान निर्वाचन के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री है जारी, ग्राम प्रधान पद के लिए 8,000 और जिला पंचायत सदस्यों के लिए 1,326 लोगों ने लिया नामांकन पत्र। डीपीआरओ ने कहा 3 और 4 अप्रैल को नामांकन और 15 अप्रैल को होगा मतदान। कोविड 19 के बढ़ते मामले को देखते हुए रेल प्रशासन है गंभीर, यात्रियों से की अपील, कहा मास्क, सैनिटाइजर और फिजिकल डिस्टेंस बनाकर ही करें यात्रा। और जनपद में बुधवार को जिला अस्पताल सहित 46 केंद्रों पर किया गया 45 साल से ऊपर के नागरिकों का वैक्सीनेशन, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने दी जानकारी।